नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान 1.0 यहां पर चलाया गया था, फिर इसके बाद जो है राजस्व महाअभियान 2.0 चलाया गया, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा यहां पर ट्विटर एक्स पर बताया गया है कि मुझे इस बात की प्रशंसा है कि मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्रालय द्वारा लंबित पड़े प्रकरणों का निराकरण करने के लिए पहले राजस्व महाअभियान 1.0 चलाया गया था, जिसमें लगभग 30 लाख प्रकरण हल हुए थे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान 2.0 के माध्यम से लगभग 50 लाख प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। ये जो है मध्य प्रदेश शासन ने अच्छी पहल की है, किसानों के जो है एकदम मुफ्त में जमीन संबंधित जो भी कार्य हैं उनको जो है निराकरण किया जाता है इन अभियानों द्वारा, राजस्व महाअभियान द्वारा। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा ट्विटर एक्स पर बताया गया है कि हम जो है जल्द ही राजस्व महाअभियान 3.0 भी प्रारंभ करेंगे, जिससे यदि किसी का प्रकरण लंबित है तो उसे भी लाभ मिले। यानी मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी ने साफ कर दिया है कि अभी भी किसान घबराए ना, जिनका भी जो है जमीन संबंधित जो भी प्रकरण रह गए हैं उनको राजस्व महाअभियान 3 के तहत जो है सॉल्यूशन यानी उनका निराकरण किया जाएगा। आप घबराए ना, सभी किसानों को यहां पर लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राजस्व महाअभियान 2 चलाया गया, जो कि 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चला। ये जो है 45 दिनों का यहां पर समय दिया गया था। इस समय में जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व संबंधित मामलों को त्वरित हो रहा है निराकरण। महाअभियान के दोनों चरणों में 80 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। ये किसानों को ये बड़ा ही लाभ यहां पर मिला है। और आप यहां पर देख सकते हैं लिखा गया है योजना का सफलता क्रियान्वयन, प्रदेश में सुशासन का संकल्प। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राजस्व महाअभियान 2.0 जो कि 18 जुलाई से शुरू हुआ था और 31 अगस्त को समाप्त हो चुका है, ये जो है 45 दिनों तक यहां पर समय दिया गया था मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को कि राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिए विशेष अभियान यहां पर चलाया गया, जिसमें राजस्व महाअभियान 2 के तहत प्रदेश में सभी जिलों में 49,15,000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है, जो कि लिस्ट इस प्रकार है। प्रकरणों का निराकरण की स्थिति इस प्रकार है, नामांतरण 2,71,626 जो है यहां पर निराकरण किए गए हैं नामांतरण मध्य प्रदेश शासन द्वारा, और बंटवारा जो है 27,983 यहां पर निराकरण किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अभिलेख दुरुस्ती की जो है 26,784 यहां पर निराकरण किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और नक्शा तरमीम जो है 45,88,918 जो है प्रकरणों का निराकरण किया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजस्व महाअभियान 2.0 के तहत। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजस्व महाअभियान 2.0 के तहत नामांतरण प्रकरणों का त्वरित गति से हुआ है निराकरण। इन जिलों में लंबित प्रकरणों का 100% जो है निराकरण किया गया है। जिले इस प्रकार हैं, यहां पर आप देख सकते हैं अलीराजपुर, उज्जैन, उमरिया, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, नब्दपुरम, निवाड़ी, नीमच, पन्ना, पांडुना, वडवानी, बालाघाट, बुरहानपुर, बैतूल, भिंड, भोपाल, मंडला, मऊगंज, मंदसौर, मुरैना, मेहर, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, शहडोल, शिवपुर एवं सतना जिलों में जो है यहां पर 100% यानी
99.98, देख सकते हैं आप कुल जो है 99.98% लंबित नामांतरण प्रकरणों का हुआ है निराकरण। ये जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर किसानों के लिए बहुत ही अच्छा अभियान यहाँ पर चलाया गया। और जो शेष जो जिले रह गए हैं, वो जो है 99% से अधिक प्रकरणों का हुआ है निराकरण। ये जो है मध्य प्रदेश की अच्छी पहल है जिससे किसानों को यहाँ पर काफ़ी लाभ यहाँ पर मिल रहा है। और किसान भाइयों आप घबराएं ना, राजस्व महाअभियान 2.0 के बाद जो है राजस्व महाअभियान 3.0 भी यहां पर चालू किया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा ट्वीट कर बताया है। कोई भी किसान घबराए ना, उनका अगर अभी भी जो है निराकरण नहीं हुआ है, अब जो है 3.0 में जो है निराकरण किया जाएगा। और राजस्व महाअभियान 2.0 में जो है नक्शा तरमीम का जो है यहाँ पर 50% निराकरण किया गया है। वे जिले इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं जिलों को, बुरहानपुर, खंडवा, पांडुना, सिवनी, बैतूल, झाबुआ जिलों में लंबित नक्शा तरमीम के 50% से अधिक जो है प्रकरणों को निराकरण किया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। तो किसान भाइयों इसी तरह के वीडियो मैं आपको लाता रहता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर करें। और किसान भाइयों किसी प्रकार का सुझाव है हमारे चैनल के लिए तो वो जरूर दें। धन्यवाद।